दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर निकल कर आई है, जिसके बाद से आज ट्राइडेंट के अंदर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिले और साथ ही साथ 16.90 रुपये का शेयर ने हाई भी बनाया। साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर कुछ नए लेवल्स और टारगेट्स निकल कर आए हैं, उन्हें भी जानेंगे। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो ट्राइडेंट लिमिटेड काफ़ी टाइम से आपको 16 रुपये से लेकर 17 रुपये के बीच में ही सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अभी कोई आपको बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ कोई बड़े टारगेट भी यहां से हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज जो न्यूज़ यहां पर निकल कर आई है, कह सकते हैं इसके बाद में हमें कुछ बड़े लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड के वॉल्यूम बेस काम के बारे में, तो ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर आज ही के दिन 98,72,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 43,42,000 क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है। डिलरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज लगभग 44% के करीबन देखने को मिल रहा है, यानी कि जैसे ही मार्केट में ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर यहां पर यह न्यूज़ पब्लिश हुई, उसके बाद से ट्राइडेंट के अंदर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ, जो यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड से रिलेटेड निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 21 जून 2021 यानी कि कॉरपोरेट एक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट्स ये निकल कर आई है, जिसे मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, जिसमें कंपनी ने यहाँ पर रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कमर्शियल पेपर्स को लेकर यहाँ पर रिकॉर्ड डेट कंपनी की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं 25 जून 2021 कंपनी ने यहाँ पर रिकॉर्ड डेट रखी है, जिसमें अगर अमाउंट्स की बात करी जाए इन कमर्शियल पेपर्स की, तो लगभग 500 मिलियंस का इनका अमाउंट रहने वाला है। साथ ही साथ पर्पज़ की भी अगर बात करें कि किस उद्देश्य के कारण ये रिकॉर्ड डेट रखी गई है, क्यों कंपनी यहाँ पर रिडिम्शन कर रही है कमर्शियल पेपर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव स्टेप्स यहाँ पर ले रही है। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट्स कंपनी की तरफ से रिलीज करी गई है आज ही के दिन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, वो भी आप देख सकते हैं 21 जून 2021 यानी कि आज ही के दिन की अपडेट है, जो कि इवनिंग में 4:23 पर यहाँ पर पब्लिश करी गई है, जिसमें ट्राइडेंट रिसीव्ड गोल्ड ट्रॉफी हाईएस्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट कैटेगरी बाय टेक्सप्रो सील स्टॉक एंड्स 1% अप। यानी कि जैसे ये न्यूज़ निकल कर आई, इसके बाद से ट्राइडेंट के अंदर लगभग 1% तक की रैली हमें देखने को मिली। साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड ने यहाँ पर हाईएस्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कैटेगरी में यहाँ पर एक रिकॉर्ड अचीव किया है, जिसमें उन्हें गोल्ड ट्रॉफी से यहाँ पर नवाजा गया है। तो यहाँ पर ट्राइडेंट कंटिन्यूसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो देती है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी इन्हें अभी तक मिल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको हर बार की तरह कहा है कि अगर आप टेक्सटाइल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्राइडेंट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। यानी कि आप यहां भी देख सकते हैं द अवार्ड्स वेयर प्रेजेंटेड टू द आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्होंने जो परफॉर्मेंस बनाकर दिखाई है वो आउटस्टैंडिंग है, जिसको लेकर इन्हें इस गोल्ड ट्रॉफी से यहां पर प्रेजेंट की जा रही है। ट्राइडेंट रिसीव्ड गोल्ड ट्रॉफी इन द कैटेगरी ऑफ हाईएस्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट्स द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से। इट इज अ वर्चुअल एक्सपोर्ट अवार्ड फंक्शंस कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के लिए और साथ ही साथ ट्राइडेंट के इंप्लॉइज के लिए एक बहुत प्राउड मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को लेते हुए हमेशा से लाइमलाइट में बनी हुई है, यानी कि टेक्सटाइल की अगर हम यहाँ पर आने वाली दिग्गज कंपनी की बात करें, तो डेफिनेटली ट्राइडेंट का फ्यूचर यहां से बहुत ज्यादा ब्राइट हमें देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट को भी हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर कवर करते हुए आ रहे हैं, और जब इसकी शेयर प्राइस आपको एक पेनी शेयर्स के रूप में भी देखने को मिल रही थी, तब से हम इसके आपके लिए रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। और पिछले अगर जनवरी मंथ से लेकर अभी तक का आप इसका ट्रेडिंग चार्ट देखेंगे, तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ पिछले एक साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 140% तक के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है। हालाँकि फिलहाल करंट शेयर प्राइस हमें कंसोलिडेशन फिगर्स में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे कंपनी की तरफ से Q1 के नंबर्स यहां पर अनाउंस कर दिए जाएंगे, उसके बाद से आपको कोई बड़ी रैली यहां पर देखने को मिल सकती है।
चलिए अब बात कर लेते हैं इस टेक्सटाइल बिजनेस के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में, जिधर आपका फोकस जाना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 8484 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो पिछले एक महीने के अंदर किसी प्रकार का रिटर्न समय यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जिस शेयर प्राइस पर आपने इसे बाय किया था वही करंट शेयर प्राइस अभी आपको यहाँ इसके अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके मोमेंटम अब हमें पूरी तरीके से चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मिड रेंज के मोमेंटम जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे अब यहाँ पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम ट्राइडेंट के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की तरफ भी नज़र मारें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपना स्टेक यहां पर इंक्रीज कराया है, और इसी के अगेंस्ट अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी बात करी जाए तो उन्होंने भी ट्राइडेंट के अंदर अपने स्टेक को इंक्रीज कराया, यानी कि ओवरऑल यहां पर जितनी भी बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं वो इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के वॉल्यूम बेस्ड काम के बारे में, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको इसके अंदर 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन आज के दिन आपको वॉल्यूम बेस्ड काम कम देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर आप डिलीवरेबल बेस्ड क्वांटिटी देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर पूरे एक मंथ का चार्ट आपके सामने ओपन है। लगभग 40-50% हमें डिलीवरेबल बेस्ड काम कंटिन्यूसली बेसिस पर ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर हर एक ब्रोकरेज फर्म यहाँ पर शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाह रही है। इसी बीच अगर ट्राइडेंट के हम क्वार्टरली रिजल्ट को भी एनालिसिस करें तो कंपनी ने 1344 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहां पर जनरेट किया था, और इसी के अगेंस्ट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 76 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था, जिसके बाद में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अनाउंस किया था, और डिविडेंड ऑब्वियसली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया गया होगा। अब बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के नेक्स्ट लेवल्स यानी कि टारगेट और रेजिस्टेंस के बारे में, और इसके RSI और MFI लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं फ्रेश पोजिशंस के लिए। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के RSI लेवल और MFI यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स भी हमें मिड रेंज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप इस शेयर के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म पर्पस तो डेफिनेटली आप यहां से करंट शेयर प्राइस से इसके अंदर एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। इसी बीच अगर टारगेट्स यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करी जाए तो यहाँ से जो 3 रेजिस्टेंस ट्राइडेंट के निकल कर आ रहे हैं, जिसमें 16.95 रुपये, 17.40 रुपये और 17.90 रुपये का निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करी जाए तो पहला सपोर्ट ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्राइडेंट का, जो कि 16 रुपये का है, दूसरा सपोर्ट 15.50 रुपये का, और तीसरा सपोर्ट 15.05 रुपये का यहाँ से निकल कर आ रहा है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।